तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे TS अग्रवाल डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड का। इससे पहले मैं एक दो वीडियोस की बना चुका, दो तीन बल्कि, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, जब मशीनरी बिकती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसमें बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, ये फॉर्मेट आपके सामने बना दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे और बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज 1,20,000। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी मशीन खरीदते हैं तो डेबिट साइड में लिखना है, बेचते तो यहाँ लिखना है, डेप्रिसिएशन भी यहाँ लगाना है, ठीक है। तो मशीन खरीदी यहाँ लिखूंगा, एंट्री होती है बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट। 1,20,000 की खरीदी है तो यहाँ लिखता हूँ 1,20,000। और कह रहा है कि न्यू मशीनरी खरीदी है अक्टूबर 2010 में, यानी कि इसी साल 2010 की अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी है, वो भी मैं लिखूँगा टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि मशीन ही है तो यहाँ पर फर्स्ट डालना पड़ेगा, इसे सेकंड बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है डेप्रिसिएशन अलग अलग लगेगा, क्योंकि दो मशीन है ना, इसलिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50,000 की खरीदी है। फिर कह रहे हैं कि जुलाई 2011 में भी खरीदी है, वो तो चलो अलग बात है, जुलाई 2011 तो अगले साल आएगा ना, फिलहाल इस साल की बात करते हैं। तो ये साल में हमने दो मशीन खरीदी, अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन लगता है साल के एंड में, साल एंड कब होता है 31 मार्च को, तो 2011 की मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन पे अलग लगेगा, सेकंड मशीन पे अलग लगेगा। तो पहली मशीन पे देखा जाए तो 1,20,000 का है, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है लास्ट में 10% का, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 1,20,000 का 10% 12,000, 50,000 का 10% 5,000, नहीं गलत हो जाएगा, 50,000 का 10% 5,000 तो ठीक है, लेकिन 10% पर एनम है, पूरे साल का है, लेकिन ये मशीन पूरे साल की यूज़ पूरे साल यूज़ नहीं करी, अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक तो 6 मंथ आते हैं, तो 6 मंथ यूज़ करिए तो डेप्रिसिएशन में 6 मंथ का लगेगा, तो 5,000 नहीं लगेगा, 5,000 का 6 मंथ के हिसाब से कैसे निकालूंगा, 6/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे 6 महीने का आ जाएगा, 5,000 को 6 महीने से 6 महीने का निकालना है तो 2,500 आएगा, तो 14,500 लगेगा। फिर यहाँ लिखूंगा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब निकालना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, कैसे निकालना है, 1,20,000 की मशीन थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 12,000 का लगा, पहली मशीन पे माइनस कर दो, 10,800 आ गया, ये सॉरी 1,08,000 आ गया। 50,000 की मशीन थी 2,500 डेप्रिसिएशन लगा तो 47,500 आ गया, इनको जोड़ करके बाहर लिख दो, ठीक है ये आ गया पसंद। और इसका टोटल पूरा करूँगा तो 1,70,000 आ रहा है, यही टोटल 1,70,000 रुपये यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। फिर इसको ब्रॉड डाउन करते हैं, 2011 अप्रैल 1 को ब्रॉड डाउन करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, 1,08,000 रुपये की मशीन थी पहली और इसकी होगी 47,500, टोटल आ रहा है 1,55,500, क्लियर। अब इसी साल इन ये कह रहा है कि जुलाई में भी एक मशीन खरीदी है, देखो लिखा हुआ जुलाई 2011 को 25,000 की खरीदी थी, सेकंड लाइन में लिखा हुआ, तो जुलाई 2011 इसी साल आता है, तो यहाँ लिखोगे जुलाई 11 टू बैंक अकाउंट, तो ये तीसरी मशीन होगी, तो इसका नाम तीसरा लिख दूंगा, थर्ड लिख दूंगा 25,000, ठीक है। फिर वो तो जनवरी 2013 को एक मशीन बेची है, वो अलग बात है, 13 तो बहुत दूर है अभी, फ़िलहाल यहाँ पर इसकी एंट्री करनी है, मतलब फ़िलहाल इसका करेंगे हम। अब इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा दोबारा से, साल के एंड में क्या होता है डेप्रिसिएशन लगता है, साल एंड कब होता है मार्च 31 अगले साल के 2012 में, तो यहाँ लिखा हुआ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, और अब तो तीसरी भी खरीदी है, तीसरी का भी लगेगा डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना बात, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीसरी का भी लगेगा। तो इसके ऊपर कितना लगेगा? 10%। लेकिन 10% किसका? इसका। स्टेट डेट मेथड क्या कहता है? जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो 1,20,000 का 10%, यानी कि वही जो 12,000 लगा था ना, वही 12,000 पहले अगले साल भी लगेगा। 50,000 का 10%, 5,000। सर यहाँ तो 2,500 लगा था, क्योंकि वो 6 महीने का था ना, वो तो 6 महीने का था। वैसे तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना होता है? 50,000 का 10% 5,000 होता है। वो तो 6 महीने यूज़ करती इसलिए 2,500 लिखना पड़ा था। लेकिन वैसे तो कितना लगता है डेप्रिसिएशन? कॉस्ट वैल्यू पे लगता है। कॉस्ट वैल्यू 50,000 की थी, 50,000 का 10% 5,000, फिर 25,000। बट 25,000 का 10% करूँगा 2,500 आता है, बट ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि जुलाई में खरीदी, जुलाई में खरीदी है। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने यूज़ करी? गिन लो आप, 9 महीने आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 9 महीने का निकालना। वैसे तो 25,000 का 10% होता है 2,500, बट 2,500 तो पूरे साल गए, तो 9 महीने का निकालूगा, 9 महीने का निकालूगा, ठीक है। तो 9 महीने का निकालूगा तो कितना आएगा भाई साहब? ये आएगा 1,875, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फिर हम, ये आएगा। फिर यहाँ पर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 1,08,000 रुपये पे 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो कितना आ गया? 96,000। 47,500 पे 5,000 का लगा, तो कितना आ गया? 42,500। और इसके ऊपर 1,875 का लगा, ठीक है, तो कितना आ गया? ये बेसिकली आ जाएगा आपके सामने कितना, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, 1,875। इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, सॉरी ये आ जाएगा 23,125, ठीक है। तो ये आ गया 8 और 3 11 13 और 2 15, ये आ जाएगा, ये आ गया। इसका टोटल करेंगे, इसका करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 1,80,500। फिर इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, चलिए अब इसको ब्रॉड डाउन करते हैं। तो इसको ठीक है ब्रॉड डाउन कर दिया हमने। अब हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहा कि वो कह रहा था कि जुलाई जनवरी 2013 में बेची है। अब जनवरी 2013 कब आता है? इसी साल आता है आपका। ओके, कैसे? बिल्कुल इसी साल आता है, ध्यान से देखो। ये साल शुरू होता है अप्रैल 1 से शुरू होगा 2012 की, ख़त्म कब होगा? 2013 की मार्च 31 को होगा। तो 2013 की जब मार्च 31 का होगा तो पीछे जनवरी नहीं आएगा 13 में, तो जनवरी में बेची है तो इसी साल एंट्री होगी है। और जब मशीन बेची है तो यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ इस साइड में लिखूंगा 2013 जनवरी 1st, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000 रुपये की थी, जो कि मशीन में इंक्लूड है 2010 में, 1,20,000 की जो 2010 में खरीदी थी मशीन, उसके अंदर एक 20,000 रुपये की मशीन है वो बेची गई है, वो बेची गई है 6,000 रुपये में। तो 6,000 रुपये में बेची गई है, तो 6,000 रुपये आएंगे मेरे पास, तो यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपये आएंगे। अब ये समझना पड़ेगा कि मशीन प्रॉफिट में बेची है, लॉस में बेची है, कितने की मशीन बेची है, कैसे बेची है? देखो बात समझो, बात मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। 1 अप्रैल 2010 को एक मशीन जो हमने खरीदी थी 1,20,000 रुपये की, उसमें कोई 20,000 रुपये की मशीन है उसको बेचा गया। आप कहोगे एक 20,000 रुपये मशीन थी, 6,000 रुपये बेचा, तो ऑब्वियसली बात है 6,000 का बेचा, 14,000 का लॉस में बेचा। नहीं, क्योंकि वो अप्रैल 2010 में इसकी वैल्यू है 20,000 रुपये की। अप्रैल 2012 में कितनी है? अप्रैल 2012 में नहीं, बल्कि जनवरी 1, 2013 में कितनी है उसकी? मुझे तो उसकी आज की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए ना। ये तो 20,000 रुपये की अप्रैल 2010 में वैल्यू, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगा बहुत सारा, तो इस वक्त इसकी वैल्यू कितनी है वो कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जरा लेस डेप्रिसिएशन,
पहले साल का डेबिशन लगाता हूँ, पहले साल का लगेगा, इसके ऊपर 10% लगेगा। डेबिशन किस पर लगता है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट वैल्यू पे लगता है। तो 20,000 रुपये की कॉस्ट खरीदी, जितनी खरीदी है वो कॉस्ट वैल्यू होती है, इसके ऊपर 10% लगेगा, 2,000 रुपये आएगा। तो यानी कि ये है अप्रैल 2011 में वैल्यू इसकी, पहले साल डेबिशन लगा तो 11 में वैल्यू इसकी 18,000 रुपये। फिर दोबारा डेबिशन लगेगा अगले साल, डेबिशन इसके ऊपर 10% नहीं, इसके ऊपर लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? जो कॉस्ट वैल्यू उसके ऊपर लगता है। तो दोबारा 2,000 लगेगा, 16,000 रुपये आ गए। ये वैल्यू कब की है? अप्रैल 2012 की। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन जनवरी में भी की है ये। तो 1 जनवरी 2013 को इसकी वैल्यू कितने की है? तो मुझे डेप्रेशन माइनस करना पड़ेगा अप्रैल से लेकर जनवरी तक इसके ऊपर कितना डेप्रेशन लगेगा, वो माइनस करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखोगे, अप्रैल से गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 महीने का लगेगा। तो 10 महीने का डेप्रेशन लगेगा, कैसे लगा लूँगा? देखो पूरे साल का आता है 2,000, पूरे साल का कितना है? 2,000, 2,000 को 10 बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 महीने का आ जाएगा। 2,000 को 10 बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा जनवरी में तो बिक गई है, सॉरी जनवरी पहली जनवरी को तो बिक गई है, तो जनवरी महीना काउंट नहीं होगा। जनवरी पहली जनवरी को ही बिका है ना ये, तो जनवरी महीना काउंट नहीं होगा, तो 9 महीने का लगेगा। दिसंबर तक काउंट होगा, तो 9 दिसंबर तक काउंट होगा, तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 1500 आएगा। तो इसकी आज इसका मतलब जनवरी 1 को इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 13,500 की। समझ गए बात को? 13,500 रुपये की इसकी वैल्यू है, 13,500। तो 13,500 की मशीन 6,000 में बेची है, ये है इसका मतलब। तो 13,500 की मशीन अगर 6,000 में बेची है तो कितने के नुकसान है बेची? सर 6,000 माइनस कर दो, 7,500 के नुकसान है बेची है, समझ गए? ये लॉस है। तो ये लॉस भी यहाँ दिखाना है आपको बाय P&L अकाउंट, क्योंकि लॉस ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में। तो ये भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा 7,500, और साथ में जितना डेप्रिसिएशन लगा अप्रैल से लेकर जनवरी तक वो भी दिखाना पड़ेगा यहीं पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? वो भी दिखाना पड़ेगा कितना कितना लगा, 1500 लगा तो 1500 दिखाना। ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी मशीन कितने की बिकी है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी वो निकालने थी। यानी कि इस डेट को जो वैल्यू थी 16,000 रुपये, ये 16,000 रुपये देखो इसको प्लस करके आएगा, अपने आप ही आ रहा है। 16,000 रुपये इसको प्लस करके आना चाहिए, ठीक है? वो आ रहा है, बात समझ रहे हो? ये है सारा क्या। तो इसीलिए इसकी जो, हालांकि ये 16,000 रुपये क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पर गलती तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, जरा एक मिनट। हाँ ये 14,500 आएगा, 14,000 6,000 माइनस करूँगा तो 8,500 आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली इन सब की टोटल करूँगा तो अपने आप में 14,500 आएगा, जो कि इस डेट को वैल्यू थी। तो जब मशीन बिकती है ना, तो मुझे यहाँ पर जितने की मशीन थी इस डेट को वही वैल्यू यहाँ लिखनी है, क्योंकि मशीन बिक गई है, कॉस्ट वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। बट वो लिखी कैसे? जितना पैसा आया उसको लिख दिया बैंक अकाउंट में, जो लॉस हुआ उसको यहाँ लिख दिया, जो डेबिशन लगा वो यहाँ लिख दिया। आएगा वैल्यू वही जो इस डेट को यहाँ पर वैल्यू थी, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू लिखनी होती है। तो ये हमने समझ लिया, मेन इस यही क्वेश्चन में यही समझना था, बाकी तो अब आगे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर हो गया आपको? अब हम जो मशीन बच गई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो मशीन बेसिकली बच गई। तो अब दोबारा का डेप्रिसिएशन लगेगा 13 मई लगेगा, मतलब इसी साल लगेगा मार्च 31 को। 20,000 रुपये की तो मशीन बेच दी गई, लेकिन जो बाकी बच गई उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग, तीनों पे अलग अलग लगेगा। देखो फर्स्ट पहली जो मशीन थी 96,000 की, इसमें से एक मशीन बेच चुके हैं, कितने की थी वो? 20,000 की। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे थे? जितने की मशीन खरीदी थी हम लगा रहे थे 1,20,000 रुपये पे लगा रहे थे डेप्रिसिएशन, है ना? इसका 10% निकाल के 12,000 लिख रहा था मैं। लेकिन 1,20,000 में से 20,000 रुपये की मशीन तो बेच दी है, जो कॉस्ट वैल्यू थी 20,000 रुपये की, 2010 में इसकी वैल्यू थी ना को 20,000 रुपये की थी, वो तो बेच दी है। तो एक्चुअल में मशीन की कॉस्ट बची कितनी की?
जो 2010 में खरीदी थी मशीन, मैं उसके ऊपर टेंशन लगा रहा हूँ ना फर्स्ट वाला। और टेंशन किस पे लगता है? जो जितने की मशीन खरीदी थी पहले साल 2010 में, 1,20,000 की खरीदी थी, उसमें से 20,000 की बेच चुका हूँ, तो बचा कितना? 1,00,000। तो 1,00,000 के इस बार 10% लगा लूँगा, 10,000 पे लगेगा। जो पहले मैं 12,000 लगा रहा था, 12,000 नहीं लगेगा, क्योंकि 20,000 की मशीन जो 2010 में थी उसकी वैल्यू वो बिकती है, तो माइनस करने पड़ेगा 20। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड को ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट वैल्यू पे लगता है डेप्रिसिएशन, यानी कि जो जितने की मशीन खरीदी थी और जो बिक गई है अगर उसको माइनस कर देना होता है। सेकेंड मशीन, तो भैया सेकेंड मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना लगता है? उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? 50,000 की थी ना, तो 50,000 का 10% 5,000 ही लगेगा। थर्ड मशीन जो खरीदी थी वो कितनी खरीदी थी भाई साहब? 25,000 की खरीदी थी, 25,000 का 10% 2,500 लगेगा। ये भूल जाओ कि उस समय कितना लगा था, क्योंकि वो तो जुलाई में खरीदी थी ना, वो तो 10 महीने का निकाला था, बकरान निकाला था, वो अलग चीज़ है, 9 महीने का निकाला था। लेकिन यहाँ की बात करो, जो कॉस्ट वैल्यू है उसके ऊपर लगता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं हो, कॉस्ट वैल्यू पर लगता है डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया हमारा 17,500। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं जरा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट का अलग, सेकेंड का अलग, थर्ड का अलग। तो 96,000 में से 10,000 गए, 86,000। 42,500 में से 5,000 गए, 37,500। 23,125 में से 2,500 गए, तो ये आ जाएगा 20,625। ठीक है, इसको प्लस करते जरा कितना आ रहा, ये आ जाएगा 144,125। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये 86,000 नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा? बड़ा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि देखो 96,000 की जो मशीन में से मैंने जो सीधा इसको 10,000 माइनस करा, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 96 में से आपको पता तो है कि मशीन बिक तो गई है, वो तो माइनस करना पड़ेगा। ये बैलेंस 96,000 नहीं रहा, जनवरी 1 में तो आपने इसको प्लस करना, इसको प्लस कर कितना आ रहा था? 14,000 कितना आ रहा था? उतना ही तो आ रहा था ना, 14,000 बेसिकली आपका ये 9,000 ये हो गया, तो मतलब कितना आ रहा था, 16,000 आ रहा था बेसिकली, 16,000 पे आ रहा था ना, तो इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ रहा था? देखिए तो आप दे सकते हो कि ये 10 है, 10,000 और 16,000, तो 16,000 की मशीन बेसिकली अप्रैल जो 12 में थी उसकी वैल्यू वो बिक गई है। तो बेसिकली आपकी जो मशीन का बैलेंस बचा है वो 80,000 का बचा है। अब तो 80,000 की मशीन बची है यहाँ पर बैलेंस, अप्रैल 1, 2012 को 80,000 का मशीन का बैलेंस बचा है, उसमें से 10,000 का लगा डेप्रिसिएशन, तो 70,000 रुपये का बैठा। बात समझ पा रही है? तो इसलिए ये जो आपका होगा वो बैठेगा 128,125। दिस इज योर बैठेगा आपका 128,125। तो ये आपको बहुत ध्यान से बना है, जो आपने मशीन बेच दी है वो इसमें से पहले माइनस कर देनी, जिसमें वो मशीन जिस चीज़ की पहली मशीन थी तो पहले से माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप देख सकते हो। तो ये आ गया, आप इसको टोटल करोगे तो टोटल आएगा 161,625। फिर आपको इसको ब्रॉड डाउन करना है, आंसर आ चुका है आपका अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 70,000, 37,500, 20,625। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसे समझ आएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करें, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।